Hello guys, I'm Sumit Podar and you're watching Play Chemistry. So guys, as you already know that we are doing organic chemistry. So guys, अभी तक हमने organic chemistry के काफी सारे important topics cover कर लिए हैं, जैसे कि IUPAC nomenclature, isomerism, ozonolysis, Friedel-Crafts reaction, Markovnikov and anti-Markovnikov rule. तो ये सारी topics हमने cover कर लिए हैं. So guys, all of these videos are part of our main video, general organic chemistry video. So that video is coming soon. So today we are going to do elimination reaction, Zaitsev and Hofmann rule. So like our all other videos, we are going to do this video in shortest time possible. So this is the target of this video. So let's do it. So guys, first of all, what is elimination? Elimination means eliminating. तो ये वाला example देखते हैं. Let's see this organic compound. अब इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन और ब्रोमीन को निकाल दो. सो वी एलिमिनेटेड देम. सो यहां से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और इस साइड से ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा. सो हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकल गए. अब इन दोनों कार्बन्स पे एक एक इलेक्ट्रॉन बचा और ये एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के एक बॉन्ड बना देंगे. सो इस तरीके से ये कंपाउंड एक एल्कीन में कन्वर्ट हो गया. सो फाइनली वी गेट दिस कंपाउंड एन एल्कीन. सो दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेटिंग. तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें एक बेस की ज़रूरत होती है. तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत होगी एंड दैट बेस इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब एलिमिनेशन रिएक्शंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. अभी जो हम रिएक्शन कर रहे थे दैट वॉज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि इस कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकला. सो इट इज़ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. अब नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन है डीहाइड्रेशन रिएक्शन. सो वी हैव दिस कंपाउंड. सो जस्ट लाइक प्रीवियस वन, यहाँ पे भी हमें एलिमिनेट करना है. सो यहाँ से हम एक एच और एक ओ एच निकालेंगे एंड कंसिक्वेंटली वी विल गेट दिस. वी विल गेट दिस कंपाउंड विद डबल बॉन्ड एंड एल्कीन. तो हमें ये मिल गया और जो एच और ओ एच निकला था वो दोनों मिलके वाटर बना देंगे. सो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ये वाटर. और क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हुआ सो इसलिए इसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेट मींस रिमूवल ऑफ वाटर. सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन. सो गाइस, डिहाइड्रेशन के लिए हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ता है. सो वॉट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट? कंसेंट्रेटेड H2SO4 is a dehydrating agent. So concentrated H2SO4 के कारण इस compound से water निकला. So this is now complete reaction. So now this reaction is complete. Now let's look back at both of these reactions. So this carbon is alpha carbon and this carbon is beta carbon. और क्योंकि यहाँ पे elimination में beta carbon भी involved हुआ so this is beta elimination reaction. और same इसी तरीके से this reaction is also a beta elimination reaction. Now let's look at this compound. So इस compound पे भी हमें elimination reaction ही करना है. So let's do it. तो इस compound में हम zinc dust use कर रहे हैं and इस reagent के कारण इस compound में elimination reaction होगा. अब इस case में zinc dust इस compound में present दोनों bromine को ले जाएगा. So we will get zinc bromide. So this is an elimination reaction. जिंक इन दोनों ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म जिंक ब्रोमाइड. और अल्टीमेटली इस फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बिल्डअप हो जाएगा. सो वी विल गेट दिस साइक्लिक कंपाउंड. अब इस कंपाउंड में हम देखते हैं दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज गामा कार्बन. अब क्योंकि एलिमिनेशन में गामा कार्बन भी इन्वॉल्व हुआ सो इट इज एन गामा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो एलिमिनेशन रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक होता है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन. नाउ लेट्स डू मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. सो ये है एक डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन. अब इसका हमें मैकेनिज्म करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ H2SO4. अब इस H2SO4 को स्प्लिट करने के बाद हमें मिलेगा H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव. अब ये H पॉजिटिव इस एल्कोहल पे अटैक करेगा. सो ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन में प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के एक बॉन्ड बना देगा. सो वी विल गेट दिस कंपाउंड. अब इस बार क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स
हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं, सो इट विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज द कंपाउंड वी गेट. नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ दिस ऑक्सीजन नीड्स मोर इलेक्ट्रॉन, सो इट विल स्नैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड एंड अल्टीमेटली इट विल लीव एज अ कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस पार्ट इज गॉन. अब बचा ये. अब इस कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, सो इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. तो अल्टीमेटली हमारा एल्कोहल कंपाउंड एक कार्बो कैटायन में कन्वर्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ दिस कार्बो कैटायन नीड्स स्टेबिलिटी और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इट इज नॉट स्टेबल, सो इट विल स्नैच बॉन्ड फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन एंड देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन दिस हाइड्रोजन. सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन. सो दिस पार्ट, यहाँ पे हमने H पॉजिटिव तो यूज कर लिया था बट बचा था ये HSO4 नेगेटिव. अब ये HSO4 नेगेटिव इस लास्ट स्टेप में काम आएगा, सो लेट्स यूज इट. सो ये HSO4 नेगेटिव इस H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा एंड इट विल मेक H2SO4 और ये वाला बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के बीच में चले जाएगा. सो वी विल गेट दिस एल्कीन. तो फाइनली हमने इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर इसे एल्कीन बना दिया. सो दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. नाउ लेट्स सी दिस कंपाउंड. सो इस कंपाउंड का भी हम डिहाइड्रेशन करेंगे. सो वी यूज्ड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस. सो इस पे होगा डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटीज है. वी कैन गेट दिस एल्कीन और दिस एल्कीन. सो यहाँ पे हमारे पास दो एल्कीन बने. तो ऐसा कैसे? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ इट्स मैकेनिज्म. सो अगेन H2SO4 विल ब्रेक लाइक दिस, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव. अब ये H पॉजिटिव OH पे अटैक करेगा, सो इट विल बिकम OH2 पॉजिटिव. अब OH2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेके H2O बन के बाहर निकल जाएगा, सो इतना हमें पता ही है. एंड फाइनली वी विल गेट दिस कार्बोकैटायन. सो यहाँ पे अब हमें मिला एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन. बट टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बोकैटायन. तो क्या किसी तरीके से ये वाला कंपाउंड टर्शरी कार्बोकैटायन में चेंज हो सकता है? सो लेट्स सी. सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल होने के लिए इस कार्बन से हाइड्रोजन स्नैच कर लेगा और इस तरीके से ये एक टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो फाइनली इट बिकेम टर्शरी कार्बोकैटायन. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ उसके कारण से हम इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट. और हाइड्राइड शिफ्ट के कारण इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन. अब ये टर्शरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से स्टेबल है, सो दिस सेकेंडरी कार्बोकैटायन विल कन्वर्ट इनटू दिस टर्शरी कार्बोकैटायन. सो इतना हो गया. अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस. अब ये टर्शरी कार्बोकैटायन या तो फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन लेगा या फिर ये थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन लेगा. सो दो दो पॉसिबिलिटीज हैं. सो लेट्स ड्रॉ टर्शरी कार्बोकैटायन लाइक दिस और लाइक दिस. सो वी गेट दीज टू कंपाउंड्स. अब क्योंकि कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इट नीड्स अ बॉन्ड सो फ्रॉम थर्ड कार्बन. सो इट विल स्नैच दिस बॉन्ड फ्रॉम थर्ड कार्बन एंड वी विल गेट दिस कंपाउंड. या फिर ये पॉसिबिलिटी है, नाउ दिस कार्बोकैटायन विल स्नैच बॉन्ड फ्रॉम फर्स्ट कार्बन. सो दिस इज व्हाट वी गेट. सो फाइनली हमें दो प्रोडक्ट्स मिल गए. सो दैट्स व्हाई वी गेट दीज टू प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन. इन दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट है माइनर प्रोडक्ट. अब इन दोनों प्रोडक्ट में से दिस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट और कौन सा माइनर प्रोडक्ट? तो यहाँ आता है सेडजेव रूल. सबसे पहली बात, सेडजेव रूल हम एलिमिनेशन रिएक्शन में लगाते हैं. सेडजेव रूल सेज दैट द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट. तो इसका क्या मतलब हुआ? सो दिस इज आवर एल्कीन एंड दिस इज ऑल्सो एन एल्कीन एंड सर्कल दैट. अब इस एल्कीन पे दो मिथाइल हैं इधर और एक मिथाइल है इधर, तो इसके पास टोटल तीन मिथाइल्स हुए. सो ये हो गया पहला कंपाउंड. नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड कंपाउंड. तो इस एल्कीन पे यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक इथाइल है. सो वी गेट टू हेयर. सो आउट ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज दिस वन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन मिथाइल्स लगे हैं और यहाँ पे दो. सो दिस इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पार्ट. सो इसलिए
सेट्सिफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट होगा माइनर प्रोडक्ट. तो ये था सेट्सिफ रूल. द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट. अब जो मेजर प्रोडक्ट है उसे हम सेट्सिफ प्रोडक्ट कहते हैं और जो माइनर प्रोडक्ट है उसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं. सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन. अब नेक्स्ट है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन तो हमने पहले से ही किया हुआ है. देन वाई अगेन गाइस? बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एंड E2 एलिमिनेशन. तो अभी हमें वो भी डिस्कस करना है. सो इस पार्ट पे हम E1 E2 रिएक्शन करेंगे और साथ ही साथ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी करेंगे. सो गाइस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए हम बेस यूज़ करते हैं. सो कौन से बेस हम यूज़ कर सकते हैं? NaOH, KOH. सो लेट्स डू अ रिएक्शन. सो दिस इज आवर हेलो एल्केन. सो इस कंपाउंड में हमारे पास ब्रोमीन है एंड ब्रोमीन इज अ हैलोजन. सो दिस कंपाउंड इज हेलो एल्केन. नाउ वी हैव टू यूज अ रिएजेंट हेयर. सो वी यूज अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. अब NaOH करने के कारण इसमें होगा एलिमिनेशन रिएक्शन. सो इसमें होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन. सो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के कारण यहाँ से एक एच निकलेगा और यहाँ से एक BR निकलेगा. सो एच NaOH के OH पार्ट के साथ जाएगा एंड BR NaOH के Na पार्ट के साथ जाएगा. सो वी विल गेट H2O एंड NaBr. सो H और BR एलिमिनेट हो गए. अब बचा ये कंपाउंड. इट विल टर्न इनटू एन एल्कीन. सो नाउ दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन. नाउ लेट्स सी दिस कंपाउंड. सो दिस इज अगेन एन हेलो एल्केन और इसमें हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करना है. सो इसके लिए हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है, दैट इज एल्कोहलिक KOH. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. सो हैलोजन तो ये रहा BR. अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा. सो हाइड्रोजन या तो सेकेंड कार्बन से निकल सकता है इस तरीके से, या फिर हाइड्रोजन फोर्थ कार्बन से निकल सकता है. सो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो या तो एलिमिनेशन इस तरीके से होगा या फिर एलिमिनेशन इस तरीके से होगा. अब एलिमिनेशन होने के बाद वी विल गेट एन एल्कीन. सो आइदर वी गेट दिस एल्कीन और दिस. तो इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा? सो इसके लिए होता है सेट्सिफ रूल. सो लेट्स यूज सेट्सिफ रूल. सो लेट्स सी बोथ एल्कीन. सो इस एल्कीन में दो मिथाइल्स लगे हैं और दूसरे वाले को देखते हैं. दूसरे वाले पे सिर्फ एक इथाइल लगा हुआ है. सो द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज दिस वन. सो द फर्स्ट वन इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. सो द फर्स्ट वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट एंड द सेकेंड वन इज माइनर प्रोडक्ट. सो अकॉर्डिंग टू सेट्सिफ रूल दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. सो दिस इज सेट्सिफ प्रोडक्ट एंड दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट. नाउ लिस्ट ऑफ ऑल बेसिस दैट कैन डू डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एलिमिनेशन. तो सबसे पहले आ गया NaOH, KOH. तो ये बेस है, ये तो हमें पता ही है. और इसके अलावा होते हैं कुछ न्यूक्लियोफाइल, वो भी बेस की तरह ही एक्ट करते हैं और वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन ही करेंगे. सो इसके लिए एग्जाम्पल है मिथॉक्साइड एंड इथॉक्साइड एंड टर्ट ब्यूटॉक्साइड. तो इन सब से भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. तो इनमें से तो चार बेस नॉर्मल से बेस हैं, बट टर्ट ब्यूटॉक्साइड इज स्पेशल वन. दिस इज अ बल्की न्यूक्लियोफाइल और इसमें रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं. सो लेट्स सी इट्स रिएक्शन. तो हम सेम ही रिएक्शन करने वाले हैं. दिस इज आवर सेम रिएक्शन और इस बार हमने यूज़ किया टर्ट ब्यूटॉक्साइड. सो दीज टू प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, ये हमें पता है. पर इस बार डिफरेंट क्या होगा? टर्ट ब्यूटॉक्साइड के कारण रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे. जो प्रोडक्ट पहले मेजर प्रोडक्ट था अब वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो प्रोडक्ट पहले माइनर प्रोडक्ट था अब वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ टर्ट ब्यूटॉक्साइड. नाउ लेट्स गेट टू दिस कंपाउंड. सो दिस इज अ हेलो एल्केन, पर इस हेलो एल्केन में दो दो ब्रोमीन है एंड वी आर यूजिंग एल्कोहलिक KOH, अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो क्या होगा? एलिमिनेशन, हमें पता है. तो एलिमिनेशन किस टाइप का होगा? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी कि एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हैलोजन निकलेगा. सो सबसे पहले इस हाइड्रोजन को निकाल दो और इस हैलोजन को निकाल दो. सो ये दोनों निकल गए एंड वी विल गेट एन एक्स्ट्रा बॉन्ड हेयर. सो वी विल गेट दिस कंपाउंड विथ अ डबल बॉन्ड. सो दिस इज वॉट वी गेट. पर अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन बचा है, यानी कि अभी रिएक्शन कंटिन्यू होगा. अब क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, सो अब एल्कोहलिक KOH से काम नहीं चलेगा. वी नीड अ स्ट्रॉन्गर बेस. अब इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? दैट इज NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और अब ये एलिमिनेशन करेगा. सो एक और हाइड्रोजन गया और एक और हैलोजन गया.
सो अगेन देयर इज अ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. अब क्या होगा, अब एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड ऐड होगा. सो वी गेट दिस कंपाउंड. सो दिस इज एन एल्काइन, दिस इज ईथाइन. सो फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिला. इस बार हमें एक एल्काइन मिला क्योंकि इसमें दो दो ब्रोमीन्स थे, तो इस कंपाउंड में दो दो बार एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ. नाउ लेट्स गो टू सेट्सेफ रूल वंस अगेन. सो लेट्स सी अ बेसिक रिएक्शन. सो दिस इज अ हेलो एल्केन, इसमें हमने एल्कोहलिक KOH डाला एंड एल्कोहलिक KOH डालने के बाद वी विल गेट दीज टू कंपाउंड. तो हमें इतना पता है. सो सेट्सेफ रूल अप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा. सो वो हमें पता है. बट जो मेथड हमने पहले किया है उससे भी ज़्यादा एक एक्यूरेट मेथड है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ मोर एक्यूरेट मेथड. सो जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, दिस मेथड इज़ फार मोर एक्यूरेट दैन एनी अदर मेथड. सो लास्ट टाइम जो मेथड बताया था दैट वॉज राइट, दैट वॉज जस्ट फॉर क्विक कंक्लूजन. बट समटाइम्स दैट मेथड वॉन्ट वर्क, तो हमारे को इस मेथड की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को एनसर्कल कर लो. नाउ लुक एट द कार्बन एडजेसेंट टू इट. तो इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हैं. सो इसमें है टोटल दो अल्फा हाइड्रोजन. नाउ लुक एट दिस कंपाउंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड के एडजेसेंट दो कार्बन्स लगे हैं. तो ये दोनों कार्बन्स होंगे अल्फा कार्बन, और इन अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. सो यहाँ पे है तीन अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी है तीन अल्फा हाइड्रोजन. सो वी हैव टोटल सिक्स अल्फा हाइड्रोजन. अब जिस भी कंपाउंड के पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज़ द मेजर प्रोडक्ट. सो इस वाले में छः अल्फा हाइड्रोजन है. सो दिस इज़ आवर मेजर प्रोडक्ट. सो दिस इज़ सेकेंड वर्जन ऑफ सेट्सेफ रूल, और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है. जब आपके लिए वो वाला मेथड वर्क ना करे, सो यू कैन यूज़ दिस मेथड. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब एलिमिनेशन का हमारे पास लास्ट पार्ट रहा, एंड दैट इज़ E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन. तो क्या डिफरेंस है E1 और E2 एलिमिनेशन पे? हाउ डू वी डिटेक्ट विच रिएक्शन इज E1 रिएक्शन एंड विच रिएक्शन इज E2 रिएक्शन? तो इस पार्ट में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ. सो दिस इज़ अ नॉर्मल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन. सो इस एलिमिनेशन रिएक्शन को कराने के लिए हमें एक रिएजेंट की ज़रूरत होगी. सो लेट्स सी E1 एलिमिनेशन में हमें कौन से रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी. E1 एलिमिनेशन में हम वीक बेस यूज़ करते हैं, बट वीक बेस अकेला एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कर सकता. सो वी नीड टू ऐड हीट. अगर हम इसमें हीट ऐड नहीं करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज E1 एलिमिनेशन रिएक्शन. नाउ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं देन एलिमिनेशन रिएक्शन विल ऑकर ऑटोमेटिकली. तो इसके लिए हमें कोई हीट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बेस अकेला ही एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा. अब बारी है इन दोनों के मैकेनिज्म की. सो E1 रिएक्शन कैसा होता है, E2 रिएक्शन कैसा होता है, लेट्स सी. सो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट. सो वी नो कि हमारे को वीक बेस डालना है, उसके साथ हीट ऐड करना है. सो दिस इज आवर हेलो एल्केन. क्योंकि हमारे पास वीक बेस है सो नथिंग विल हैपन राइट नाउ. सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे हीट करना पड़ेगा. सो आफ्टर एडिंग हीट दिस हैलोजन विल लीव दिस कंपाउंड. सो हैलोजन कंपाउंड से निकल गया, और क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इट विल टेक बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड लीव. सो दिस कंपाउंड बिकेम अ कार्बोकैटायन. अब इस पे बेस अटैक कर सकता है. नाउ बेस विल कम एंड इट विल टेक अवे एच पॉजिटिव एंड लीव. बचा ये बॉन्ड, दैट विल शिफ्ट हेयर, और कार्बोकैटायन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो ख़त्म हो जाएगी. नाउ इट इज़ अ प्रॉपर एल्कीन. सो इस तरीके से हुआ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन. सो दिस वॉज इट्स मैकेनिज्म. सो E1 में बेस अटैक्स लेटर. नाउ E2, अब E2 रिएक्शन में बेस अटैक्स फर्स्ट. सो बेस विल टेक एच पॉजिटिव एंड लीव द बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर. तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. देयर आर 5 बॉन्ड्स, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इट इज़ अनस्टेबल. तो ये हेलोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा, एंड दिस कार्बन विल गेट बैलेंस्ड, एंड फाइनली वी विल गेट दिस एल्कीन. सो दिस इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन. सो E2 में हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया था, सो वी डोंट नीड एनी हीट. सो स्ट्रॉन्ग बेस ने अकेले ही एलिमिनेशन रिएक्शन कर दिया. सो इट वॉज द फर्स्ट वन टू अटैक. सो दिस इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन. सो गाइज, एलिमिनेशन रिएक्शन सेट्सेफ एंड हॉफमैन रूल इज कम्प्लीट इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. आई एम कमिंग विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर क्लास, विच इज काइंड ऑफ बेसिक ऑफ
एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर आपको वो वीडियो समझ आ गया, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो वो वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है. आई ट्राई टू कवर टॉपिक्स कंप्लीटली इन शॉर्टेस्ट टाइम. सो चेक आउट ऑल अदर वीडियोज ऑन आर चैनल लाइक मोल कॉन्सेप्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, केमिकल बॉन्डिंग इन 30 मिनट, IUPAC नेमिंग कंप्लीट इन 1 आवर. सो गाइज, अब मैं केमिस्ट्री वीडियोज के अलावा भी काफी सारे वीडियोज बनाने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. आई एम सुमेर पोदार एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.